पहले गुरुजी के पढ़ाने पर सवाल उठता था, अब तो उनके पहनावे से भी परेशानी होने लगी है। इस डीएन साहब को कुर्ता पैजामा पसंद नहीं आया तो दूसरे डीओ साहब ने जीन्स टी शर्ट को लेकर फरमान जारी कर दिया। अब तो मास्टर साहब यही कह रहे होंगे कि आखिर करें तो क्या करें, अपने कपड़े का ध्यान रखें कि बच्चों के कपड़े का ध्यान रखें कि पढ़ाई का ध्यान रखें कि खाने का ध्यान रखें, आखिर करें तो क्या करें। हमारे समाज में, देश में शिक्षकों का बड़ा महत्व है। हमारी परंपरा में गुरु के लिए एक अलग स्थान रखा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, गुरुहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे का मतलब यह है कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखाया है। आज उसी गुरु के पहनावे को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया, उस गुरु के पहनावे को लेकर उनको दुत्कारा जा रहा है। क्या हमारे समाज में कुर्ता पजामा पहनना मान्य नहीं है, या फिर सरकारी संस्थानों में कुर्ता पजामा पहनकर लोग नहीं जाते हैं? बता दें कि पिछले दिनों लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार निरीक्षण के दौरान एक स्कूल पहुंचे, जहां वे स्कूल के हेडमास्टर पर उनके पहनावे जो कि कुर्ता और पैजामा था उस पर भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आपको नेता बनना है तो आप नेता बनिए, लेकिन स्कूल में नहीं। साथ ही साथ उस हेडमास्टर साहब का वेतन रोकने तक का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लखीसराय का यह मामला अभी सोशल मीडिया में घूम ही रहा था कि एक दूसरा नोटिस भी सामने आ गया, जिसमें मास्टर साहब के ड्रेस कोड को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि क्या मास्टर साहब पहनकर आएंगे और क्या उनको पहनकर नहीं आना है। दरअसल नया फरमान जो जारी हुआ है वह हाजीपुर शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आए दिन इंटरनेट मीडिया में विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधि में शिक्षकों के कुर्ता पैजामा जींस टी शर्ट पर कक्षा संचालन करने से छात्रों की नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है। समाज निर्माण एवं छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक न सिर्फ विद्यालय में बल्कि विद्यालय अवधि से बाद भी छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन की भूमिका में होता है, इसलिए विद्यालय अवधि में फॉर्मल पैंट, फुल या फिर हाफ शर्ट में ही विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करें, ताकि उनकी सौम्यता एवं शिष्टाचार बच्चों के लिए भी अनुकरणीय बन सके। लखीसराय के जिलाधिकारी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो मास्टर साहब का क्या व्यवहार रहा है वो पता चल जाएगा, लेकिन किसी एक मास्टर साहब के व्यवहार से कुर्ता पैजामा पहनने वाले सभी मास्टर साहब को कैसे जज किया जा सकता है। वैशाली के शिक्षा पदाधिकारी ने जो लेटर जारी किया है उसमें कुर्ता पैजामा और जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगाया गया है। जरा सोचिए उस मास्टर साहब के बारे में जो बुजुर्ग हैं, यानी कि लंबे समय से वो कुर्ता पैजामा पहनते आ रहे हैं, क्या वे अब शर्ट पैंट पहनेंगे? उनके पहनावे पर ही अब प्रश्न खड़ा हो गया है। जब शिक्षक ही क्लास में अनकंफर्टेबल महसूस करेगा अपने कपड़ों को लेकर, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा।